आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही होगी जी जो टॉपिक आज हम जाके कवर करेंगे इसका नाम है डिफाइनिंग मार्केटिंग सेंचुरी

जो अभी आप देख रहे हो आजकल जो दौर है इसके अंदर मेटावर्स ए आर वी आर इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है मार्केटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये तमाम चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए हाउ हेज मैनेजमेंट चेंज और फिर व्हाट आर द टास्क दास्करी फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए जी मार्केटिंग वट इज मार्केटिंग मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेसिस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग एंडिवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन वेट बेनिफिटेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर इस डेफिनेशन को अगर हम छोटे छोटे कम्पोनेंट्स में करके थोड़ा सा डिटेल से देखें तो मार्केटिंग जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफक्शन होते हैं जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन रिसोर्स एक उसका फंक्शन है एक फाइनेंस उसका फंक्शन है मार्केटिंग uh, फंक्शन है ये मेन फंक्शंस होते हैं यूजली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्वालिटी सप्लाई चेन आर एंड डी इस तरह के कुछ और डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो या फंक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इट वेरीज और डिपेंड करता है मुख्तार बिजनेसेस के ऊपर कि उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे पर यूजली फाइनेंस एच और मार्केटिंग ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ये फंक्शन होता है और हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।, है वो वो ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट लोगों को हायर करना करना फायर उनके कंपनसेशन जो है डिजाइन करना इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है और जो फाइनेंस है वो आपकी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए एच आर के कंपनसेशन प्लान के लिए कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं बिल्स हैं अकाउंटिंग है इन तमाम चीजों को देख रहा होता है और मार्केटिंग मार्केटिंग के लोग ये बिलीव करते हैं कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इसका रोल बाकी तमाम फंक्शन से जो है वो काफी बड़ा है आ, उसका एविडेंस ये भी है कि अगर आप आज प्राइवेट मार्केट के अंदर जाएंगे जॉब के लिए इम्प्लॉयबिलिटी के लिए तो मार्केटिंग की पोजिशन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे इनफैक्ट एच के लोग भी और फाइनेंस के लोग भी स्पेशलाइजेशन करके इन फील्ड्स uh, के अंदर मार्केटिंग की जॉब जो है वो कर रहे हैं मुखलिफ इंडस्ट्रीज uh, के अंदर तो मार्केटिंग जो है इसका रोल काफी ज्यादा है प्रोडक्ट सेंस करने से लेके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट डेवलप करने तक और फिर प्रोडक्ट डेवलप करके जो है उसको दोबारा मार्केटिंग तक अवेयरनेस क्रिएट करना फनल के अंदर लेके जाना एड बनाना कन्वर्जन uh, करना ये तमाम चीजें मार्केटिंग का हिस्सा है तो पैसे लगते भी काफी सारे हैं मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग को पैसे मिलते भी काफी सारे हैं और ये इन्वेस्ट भी काफी सारे पैसे करता है तो आगे हम डिटेल से देखेंगे तो उसको फिर देखेंगे तो ये मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन तो ये फंक्शन है एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस और ये मुख्य एक्टिविटीज है मुख्तलि प्रोसेस है जो ऑन गोइंग है जिससे करते हैं क्रिएट करते हैं कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं वैल्यू अब क्रिएट करना कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना वैल्यू उसको समझने के लिए पहले वैल्यू का चीज है मार्केटिंग के अंदर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए और इन रिटर्न भी हम जो है वो वैल्यू ले रहे होते हैं जो वैल्यू हम क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए वो इन फॉर्म और शेप होती है प्रोडक्ट के या सर्विस के प्योर प्रोडक्ट हो सकती है

कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको मैं कै, कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ और फिर उसको आर में लेके जा के कम्युनिकेट तो करना चीज बनाई है पर लोगों को बताऊंगा नहीं तो बिकेगी कैसे तो मुझे कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी जो चीज मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं प्रमोशन करूंगा स्पॉन्सरशिप करूंगा डोर टू डोर जाऊंगा तो, दोर तो ये मैं अग्रेसिव कैंपेन्स कर रहा कम्युनिकेट कर रहा की मेरे पास ये प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है और यू कैन ऑप्ट आप ये इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो यू इट

कस्टमर uh, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है सपोज आपका सॉफ्टवेयर हाउस है है या आप आप एक यूनिवर्सिटी हो और आप जो है वो एप्पल से या डेल से उनके लैपटॉप्स बाय करते हो आ, अपनी लैब्स के लिए लेते हो तो वो जो है वो वो भी कस्टमर है पर बी टू सी और बी टू बी होता है वो बी टू बी के अंदर है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर है तो कस्टमर जो है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी

आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेडिकल रेप्स जिनको बोलते हैं ये डॉक्टर के पास जाते हैं पहले दौर में अभी भी कुछ ट्रेडिशनल मीन यूज करते हैं जाके बताएंगे कि आपको हम सेमिनार पे लेके जाएंगे और उनका कस्टमर इसमें फिजिशियन या डॉक्टर है तो उनको हम जो है वो सेमिनार में लेके जाएंगे विजिट करवाएंगे आपके लिए ये गिफ्ट हैं और आपके लिए इतना उसमें आप, आपको प्रॉफिट है सॉफ्ट बॉल प्रमोशन उसको हम बोलते हैं कि आपको इतना कमीशन मिलेगा इसके ऊपर तो ये पुराने तरीके से सी आर एम के या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के आज के दौर में बहुत सारे IT टूल्स हैं सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज करते हैं ये रिलेशनशिप uh, बिल्ड करने के लिए strengthen करने के लिए तो मुख्तु कंपनी है, 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 है जैसे सी आर एम नेक्स्ट ईयर नाम से कंपनी है उसके मुख्तिक सोल्यूशन है आपके सोल्यूशन बड़े होते हैं छोटे होते हैं जैसे आप यूफिन का कार्ड लेते हो तो उसके अंदर एक छोटा पैकेज है बंडल है उससे बड़ा बंडल है उससे बड़ा बंडल है वैसे ही एक कंपनी है वो मुख्तलि बंडल्स प्रोवाइड करती है और वो उसकी सोफिस्टिकेशन डिपेंड करती है कि आपकी नीड क्या है आप कितने पैसे जो है वो दे सकते हो उसको ऑप्ट करने के लिए तो जिस तरह सेप है या कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही आपके पास सी आर एम सोल्यूशन होते हैं तो वो आपको मिलते हैं जिससे आप ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करते हो कि कस्टमर कौन आपका हो सकता है उसमें आप नोट करते हो आपने उसको कब अप्रोच किया था उसने क्या ऑर्डर किया है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है उसने आगे कितनों को रिकमेंड किया था तो ये तमाम चीजें आप उसके अंदर नोट कर रहे होते हो और जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं इसके अंदर उसमें आप इन्फर भी कर रहे होते हो कि आज तो इसने ये चीज बाई की है ये अगले महीने कितनी की, की चीज बाय करेगा परचेज करेगा तो आप वो इस तरह की चीजें भी जो है वो प्रोस्पेक्ट में देख हो सीआरएम सॉल्यूशंस के अंदर इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर अब जो आपका बिजनेस है उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं आपके सप्लायर्स हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है आपके स्टेक होल्डर्स है आपके कस्टमर्स और एम्प्लॉइज ये भी आपके स्टेक होल्डर्स है तो मैं एक बार दोबारा इस डेफिनेशन को पूरा रीड कर देता हूं मुख्य कंपोनेंट्स हम इसके देखें मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग

क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है इन्वॉल्व है, है इतना क्रिएटिविटी का एलिमेंट किसी और फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर तो इसमें आपने आप देखोगे की वॉल्स का कलर कौन सा करना है किसी इटरी या रेस्टोरेंट के अंदर ये भी आपको मार्केटिंग बताता है टाइल का साइज क्या लगाना है ये भी आपको मार्केटिंग बताता है एड कैसा बनाना है

कि किसको क्या चीज चाहिए आप एक साइंटिफिक प्रोसेस यूज करते हो जिसके जरिए आप देखते हो कि आइडियाज क्या हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हो तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो हर फील्ड के अंदर चाहे आप वो प्रोडक्ट के अंदर देखो अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी तो वो प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है कस्टमर की नीड्स क्या हैं वांट्स क्या हैं पहले कौन सी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है कौन कौन से आइडियाज है शॉर्टलिस्ट कैसे करना है टेस्टिंग कैसे करनी है तो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हो वैसे ही अगर आप उसका पी प्रोमोशन का देखोगे तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि भाई Uh, कौन सा जो है वो कंटेंट यूज करना है इमोशंस कौन से जो है वो यूज करने हैं कैसे हमने फ्रेमिंग इफेक्ट सेट करना है ये भी बाद आपको बताऊंगा फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है इसमें काइंड ऑफ जो हम दिखाना चाह रहे थे लोगों को uh, वो चीज नजर आती है बहरहाल वो भी आपको बाद में एडवांस uh, लेवल पे टॉपिक आएगा तो आपको बताऊंगा कि फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है तो ये साइंस है साइंटिफिक प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे होते हैं इस पूरे के अंदर तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ऑफ चूजिंग

हमारी प्रोडक्ट यूज करने की तरफ जो है वो कन्विंस करें तो हम कैसे इसको अदनान को या नायाब खुर्शीद ने जिस तरह कहा था कि इनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट की सर्विस कंज्यूम करने के लिए फिर उस, उनको रिटेन करना हम, मतलब है कि वो हम हमारी प्रोडक्ट यूज करें किसी और जाए और फिर उसको ग्रो भी करना है थ्रू अगेन क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू अब सुपीरियर कस्टमर वैल्यू का मतलब ये है कि वो वैल्यू प्रोवाइड करें जो मार्केट में कोई और प्रोवाइड ना कर रहा हो या मार्केट में अगर लोगों की कोई प्रॉब्लम थी कोई नीड़ थी उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन अवेलेबल था तो हमारा सोल्यूशन उससे कैसे बेहतर है कैसे एनवायरमेंट के लिए बेहतर है कैसे लोगों के लिए बेहतर है कैसे लोगों की पॉकेट आजकल जिस तरह इन्फ्लेशन काफी है तो कै, कैसे कॉस्ट एफिशिएंट है तो कैसे उनके लिए बेहतर है जो भी हम प्रॉब्लम ऑफर कर रहे हैं वो हमारे कम्पैक्टर से या सब्सिट्यूट से किस तरह बेहतर है तो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करना या बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना ये भी हमारा मेन एक एम होता है इसके बाद हमारे पास आ, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम मार्केट कर सकते हैं अमूमन लोग समझते हैं या अगर हम ब्रॉडली देखें मार्केटिंग के अंदर तो हम उनको दो कैटेगरीज गुड्स और सर्विसेज के अंदर ले, ले लेते हैं तमाम चीजों को लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं मेनली मार्केट जो हैं मोर देन 10 टाइप्स ऑफ जो एंटिटीज हैं उनको मार्केट करते हैं उनके लिए मार्केटिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैंने जैसा पहले कहा कि गुड्स है प्योर गुड प्योर गुड्स के अंदर आपके पास Mobiles हैं आपके पास Laptops हैं आपके पास फर्नीचर है आपके पास कोई टेंजिबल चीज है और सर्विसेज के अंदर आपके पास इंटेंजिबल चीजें हैं जैसे टीचिंग ये एक जो है वो सर्विस है आप कोई इन ड्राइव यूज करता है हेयर सर्विस यूज करता है तो वो भी एक सर्विस है आप डॉक्टर डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनसे डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस कराते हैं अपनी बीमारी का और उनसे मेडिसिन लिखवा के लेके आते हैं तो ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे इंटरनेट की फैसिलिटी भी सर्विसेज है आपके लिए तो सर्विसेज जो है इन इंटेंजिबल होती है गुड्स जो है वो टेंजिबल है, है होते हैं तो सर्विसेज और गुड समाइम मिला के भी देते हैं जैसे आप एक रेस्टोरेंट देखोगे अगर आप अगर में तो खैर सेल्फ सर्विस है यानी कितना वैल्यू के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर आपकी मार्केट ऑफरिंग के अंदर कितना हिस्सा फूड का गुड्स का होगा कितना सर्विसेज का ये डिटरमिन करता है अगर हम खाली रेस्टोरेंट्स को देख लें इंडस्ट्री को देख लें तो जिस के एफ सी है के एफ सी उसके अंदर सेल्फ सर्विस है यानी सर्विस के एलिमेंट कम है और गुड्स का एलिमेंट ज्यादा है और अगर आप किसी अप स्केल रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे जिस तरह आप मी कांग जाए या मोनाल जाए तो जो कोई अप स्केल रेस्टोरेंट अवेलेबल है वहां जाएंगे तो वहां सर्विस का एलिमेंट बढ़ जाएगा आपके पास चीज टेबल के ऊपर आएगी वो आप प्लेट छोड़ेंगे फोरन प्लेट उठा लेंगे तो आपको सर्विसेज भी बेच रहे हैं और गुड्स जो उनका मेन्यू है जो फूड आप ट्राई कर रहे हो वो भी आपको बेच रहे हैं तो उसमें सर्विसेज का एलिमेंट कंपैरेटिवली फूड चेन से या के से ज्यादा है अपस्केल रेस्टोरेंट के अंदर तो अब आप अपने बिजनेस में कितना सर्विसेज रखना है कितना गुड्स रखना है ये भी आपके ऊपर है बताना चाह रहा हूँ कि हम इनको बंडल के अंदर भी दे सकते हैं ये प्योर सर्विस और प्योर गुड्स के अलावा आप इनको एक बंडल में भी कुछ बिजनेस ऑफर करते हैं फिर इवेंट्स है इवेंट्स को मार्केट किया जाता है जैसे अभी आप देख रहे हो आजकल पी एस एल चल रहा है तो उसको मार्केट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोमोशन के जरिए इवेंट्स के जरिए भी जो है वो आप इवेंट्स को भी मार्केट करते हो आ, या आप कोई देखोगे के करियर काउंसलिंग की फॉर्म हैं, वो अपना कोई इवेंट करा रहे हैं बच्चों को सेशन करवा रहे हैं तो वो भी उसकी मार्केटिंग करते हैं, जॉब फेयर जिस तरह भी हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कराया आप लोग भी कराते हैं यहाँ पे जॉब फेयर होते हैं उनको जो है वो मार्केट करना लम्ब ने अभी कराया खत्म हुआ उनका जॉब फेयर तो इवेंट्स की मार्केटिंग पी हो गया आई हो गया फीफा हो गया इवेंट्स को भी मार्केट किया जाता है ताकि लोग उसको उसको यूज करें कंज्यूम करें उसमें पार्टिसिपेट करें उसमें इंटरेस्ट लें फिर एक्सपीरियंसेस भी हैं जिनको आप जो है वो आ, आप मार्केट करते हो उसको आप मार्केट कर सकते हैं मतलब अच्छी कंपनीज जो हैं जिस तरह कंटोर है या और जो अच्छी कंपनीज है आप उसको ज्वाइन करते हैं आपको कुछ सूनियर देते हैं और लोग उसको जो है वो शाउट आउट देते हैं लेंड के ऊपर मुख्त प्रोफाइल्स के ऊपर तो लोग फील करते हैं कि ये उसको एक वो एक्सपीरियंस है जिसको आप मार्केट करते हो वो भी ठीक है कि आपको एक्सपीरियंस क्या है उसको आप मार्केट कर रहे हो वेरी गुड और जैसे आप कभी हॉन्टेड हाउस के अंदर जाएं तो वहां पे भी आप जाएंगे तो आप वो लोग एक्सपीरियंस बेचते हैं आपको जो हॉन्ट करने का या आप डिज्नी आपने सुना होगा डिजनी लैंड है जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तु जॉय लैंड है पिंडी के अंदर फन लैंड है वैसे मतलब इंटरनेशनली अब देखेंगे तो डिजनी लैंड एक है तो वहां जाए तो वो भी एक्सपीरियंस जो है वो आपका सेल कर होते हैं है, कि आपको कैसा एक्सपीरियंस वहां पर मिल रहा होता है आ, गुड शुजात हुसैन जी उसके बाद हमारे पास पर्सन है पर्सन जो है उसकी मार्केट भी की जाती है उसकी भी मार्केटिंग होती है पर्सन की मार्केटिंग भी होती है आपने इसमें पर्सनल ब्रांडिंग भी सुना होगा लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं आप देखोगे लिंक के ऊपर जाओगे तो लोग अपनी प्रोफाइल्स को आ, मार्केट कर रहे होते हैं आ...

फिजिकल uh, सेटिंग्स में मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहां भी चार लोग हैं तो उनमें से एक अपने आप को बेहतर तरीके से मार्केट कर रहा होता है और अगर आप देखोगे लिंग इन जहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो कनेक्ट करते हैं दूसरे से वहां पे देखोगे तो वहां पे भी uh, सारे लोग जो है वो अपने आप को मार्केट चार लोग अगर हैं तो उनमें से कोई एक अपने आप को बेहतर तरीके से मार्केट कर रहा होता है अपनी पर्सनल प्रोफाइल uh, या ब्रांडिंग बेहतर तरीके से कर रहा होता है तो आप पर्सनल मार्केटिंग भी होती है अगर आप देखोगे जितने भी हमारे पास आर्मी चीफ्स आए हैं उनमें राहिल शरीफ की काफी अच्छी पर्सनल मार्केटिंग की गई थी तो वो इंडिविजुअल की जो मार्केटिंग है करते हैं उसको जो है वो पर्सनल मार्केटिंग बोलते हैं इसके बाद हमारे पास है प्लेसेस तो प्लेसेस को भी मार्केट करते हैं जैसे बहरिया हमारे आप हाँ, देखोगे डीएचए है इसको मार्केट करते हैं बाहर के ममालिक में लास वेगास है या दुबई है प्लेसेस तो को भी जो है वो मार्केट किया जाता है फिर प्रॉपर्टीज है आप देखोगे मुख्तलि प्लाजाज थे या ट्विन टॉवर जिस तरह थे पाकिस्तान के अंदर भी सेंटोरस है या मुख्तु प्रॉपर्टीज है जिनको आप है अभी एक और बन रहा है तो वो भी अपनी प्रॉपर्टीज को मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन है सारी ऑर्गेनाइजेशन को, कोशिश करती हैं कि अपने आप को मार्केट करें अगर आप देखोगे उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो कोशिश कर रही होती है जो रैंकिंग वाली क्यू एस रैंकिंग उनका मैट्रिक्स है वो बेहतर हो जाए या जा कोई भी कंपनी है वो अपने आप को मार्केट कर रही होती है आ, थ्रू देयर मार्केटिंग फंक्शन उसके ऊपर एप्पल है आ, नोकिया है आ, कोई भी कंपनी है तो वो अपने आप को कोशिश करती है कि मार्केट करे जो वो भी अपने आप को मार्केट कर रही होती है उससे कंज्यूमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है अगर हम इसमें यूनिवर्सिटीज को देखें तो जो यूनिवर्सिटी बेहतर तरीके से अपने आप को मार्केट करेगी स्टूडेंट्स जो है वो उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और एडमिशन जो है वो लेते हैं वैसे ही अगर दो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी है, है जोंग है या कोई और है मोबाइल है जो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने आपको मार्केट करेगी लोग उसको ऑप्ट करेंगे आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखोगे मुख्त है और बैंक अल्फला जो है वो बेहतर तरीके से सर्व भी करता है और उसको मार्केट भी करता है तो लोग फिर उसको यूज करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग भी होती है उसके बाद इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग है इन्फॉर्मेशन के अंदर आप न्यूज चैनल्स देखते हो आ, वो भी मार्केट की जाती है आ, उसके अलावा आप आइडियाज अगर देखोगे तो आइडियाज के अंदर आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जब जाते हो बैंक के पास लोन लेने तो आप उनको तब भी अपना आइडिया प्रपोज करते हो मार्केट करते हो या अपने घर में आप कहते हो कि मैंने जॉब नहीं करनी बिजनेस करना है तो आइडिया है उस आइडिया को मार्केट करते हो तो आइडियाज भी मार्केट होते हैं आइडियाज को भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं और उसको भी मार्केट करते हैं तो या कोई नया इन्वेस्टर है या कोई अगर आप में से अब आप लोगों ने देखा होगा तरह इंडियन आ, शार्क टैंक आया हुआ ये वो पहले ऑस्ट्रेलियन शार्क टैंक की सीरीज थी उससे पहले ये ड्रैगन डेंस के नाम से एक सीरीज आती है यूके के अंदर ये चलती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने आइडियाज जो है वो शेयर करते हैं या आप गवर्नमेंट अच्छी बहुत सारे मुख्य प्रोग्राम्स करती है कि आपने फंडिंग लेनी है तो आप हमसे आइडियाज शेयर करें तो आप आइडियाज शेयर करते हो बिजनेस कॉम्पिटिशन के अंदर बच्चे क्या करते हैं अपना आइडिया सेल करते हैं अपना आइडिया मार्केट करते हैं तो ये भी आइडिया जो है उसको भी हम मार्केट कर रहे होते हैं Then, next thing is demand अब demand states के अंदर जो है वो तरह की हैं। अम्मल जो है वो लोग को एक कर रहे होते हैं। इसके अंदर नेगेटिव है नॉन एग्जिस्टेंट है लेटेंट डिक्लाइनिंग इेगुलर अनहोलसम फुल और फुल है इनको बारी बारी देख लेते हैं जिस तरह नेगेटिव डिमांड है आपके पास तो ये वो डिमांड की टाइप है जिसके अंदर आप आ, जो प्रोडक्ट जो है वो इन जनरल डिसलाइक की जाती है कस्टमर्स की तरफ से आ, ये जो प्रोडक्ट है शायद ये बेनिफिशियल भी हो कस्टमर्स के लिए लेकिन वो उसको चाहते नहीं है जैसे डेंटल वर्क लोग कराना नहीं चाहते लेकिन नेगेटिव डिमांड है उसकी डिमांड नहीं है लेकिन वो उनके लिए बेनिफिशियल है या रेगुलर आपके हेल्थ चेकअप्स है वो भी इसकी एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है पर आप कराना नहीं चाहते उसकी नेगेटिव डिमांड होती है या इंश्योरेंस है आप देखो कि इंश्योरेंस के लोग पीछे पीछे भाग लेते हैं लोगों के इसकी भी नेगेटिव डिमांड है ये लोगों के लिए प्रोडक्ट शायद बेनिफिशियल हो लेकिन लोग जो है वो उसको यूज नहीं करना चाह रहे होते तो ये तमाम चीजें जो है वो नेगेटिव डिमांड के अंदर जो है वो आती हैं, और फिर है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड इसको हम नो no डिमांड भी बोलते हैं जिसकी बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है नेगेटिव डिमांड के अंदर जो है वो डिमांड जो है वो नहीं होती चाहे वो प्रोडक्ट लोगों के लिए बेहतर हो नॉन एग्जिस्टेंट के अंदर ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो फेस करती हैं चैलेंज कि बिल्कुल उनकी डिमांड इसकी बिल्कुल नहीं होती जैसे आ, आप देखोगे कि अगर किसी आ, आपने कोई कोर्स पढ़ना है या कोई कोर्स है जो अब एब्सुलीट हो चुका हुआ है जिसका कोई जरूरत नहीं रही मार्केट के अंदर और वो कोई कंपनी वो कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो उसकी डिमांड जो है वो आ, नहीं हो रही होगी या बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते नो तो डिमांड no के अंदर नो डिमांड no आज के दौर में कोई जो है वो शायद हेड टेप रिकॉर्डर नहीं मांग रहा होगा तो उसकी डिमांड अब नहीं है नो no डिमांड है वैसे ही पहले जो म्यूजिक प्ले करने के इंस्ट्रूमेंट थे जो एग्जिस्ट करते थे आज उनकी कोई कंपनी हो तो उसकी डिमांड वैसे एग्जिस्ट नहीं करती फिर लेटेंट डिमांड है लेटेंट डिमांड जो है ये आप पहले एक चीज बाय करते हो और और फिर उसके बाद एक चीज की वो डिमांड डिमांड क्रिएट करता है for instance, आ, ये ये है फॉर फॉर इंस्टेंस ये ये सजेस्ट करती कि आपने इंस्टेंस कोई मोबाइल परचेज किया आज के दौर में और आ, आम सिंपल फोन और बाद में आपको जो है वो स्मार्ट फोन की नीड होती है या आपने कार लेके रखी हुई थी आम पेट्रोल डीजल और अब आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो

तो नॉर्मल फोन से मूव करना स्मार्टफोन की तरफ ये भी लेटेंट डिमांड है लोग जो है वो स्मार्टफोन लेते हैं ताकि उसमें ज्यादा फीचर्स जो है वो इन्जॉय कर सके और जो नए पुराने थे थे उनके अंदर ये तमाम फीचर्स आपके पास नहीं थे। आ, तो या पहले अपने कार ली वो डीजल थी और अब आपको इलेक्ट्रिक कार महंगा हो गया तो अब वो आप कहते हो कि इससे बेहतर इलेक्ट्रिक कार है तो वो आप उसकी तरफ मूव करते हो तो लेट डिमांड है जब आप चीज बाय करते हो उसको यूज करते हो और उसके बाद फिर एक और डिमांड जो है वो क्रिएट होती है आपने नॉर्मल फोन लिया आपने स्मार्ट को आपको चाहिए हुआ आपने डीजल कार या पेट्रोल कार ली और बाद में आपको इलेक्ट्रिक कार जो है वो चाहिए यूज करने के लिए तो ये उसके अंदर आ जाती है देन वी हैव डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग डिमांड डिमांड के अंदर जैसे नाम से पता लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर रही होती है मैंने पहले टेप रिकॉर्डर का कहा अभी आप देखोगे की वीसीडी प्लेयर्स थे डीवीडी प्लेयर्स थे सीडीज थी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिमांड जो है वो खत्म हो गई जैसे सीडी प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए उनकी डिमांड थी जब आईपॉड आए मार्केट के अंदर तो सीडी प्लेयर्स की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो गई एक जमाने में लोग जो है वो वॉकमैन होता था कानों में लगा लगा के 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 हेडफोन बड़े शौक से या पेंट के साथ लगा के तो, तो, वो उसकी आहिस्ता आता आई पॉड आएगा तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगी फिर एक जमाने में वो आई पॉड की तरफ यूएस बी और हैंडफी लगा के आप इस्तेमाल करते थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन ने वो भी यूज जो है वो खत्म कर दिया तो जो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन होती है जब कोई नई प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर आ जाए

इसको हम सीजनल डिमांड भी कह सकते हैं जैसे आप देखोगे कि अम्ब्रेला अब ये रेनी सीजन के अंदर मूनसून के अंदर शायद इसकी डिमांड बढ़ जाती है और आम दिनों में इतनी डिमांड इसकी नहीं होती या आप देखोगे एयर कंडिशनर जिससे पहले थे आजकल तो इन्वर्टर दोनों सीजन में चल जाते हैं पर एयर कंडीशनर्स थे या आपके फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है आपके पास आ, वो है ये सीजनल होते हैं या कुछ रिजॉर्ट हैं जो लोग समर्स के अंदर इंजॉय करते हैं जाके जहां पे तो वो भी या आप जाके देखो गिलगित के अंदर आप सर्दियों में नहीं जा सकते उसमें जून जुलाई में जो है उसका सीजनल काम होता है तो वहां डिमांड जो है वो

तो मेरी कंपनी कोशिश करेगी वॉल्स है या उमोर है कि मैं उसको स्ट्रेच करके नौ महीने तक जो है वो या दस महीने तक ले जाऊं ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए फिर देन वी हैव होलसम डिमांड अच्छा ये जो है ये ऑपोजिट है नेगेटिव डिमांड का नेगेटिव डिमांड के अंदर प्रोडक्ट पसंद नहीं करते कस्टमर्स लेकिन वो उनके लिए बेनिफिशियल होती है अनहोलसम के अंदर लोग पसंद करते हैं प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को दो दीज प्रोडक्ट्स जो है वो हार्मफुल होती है कस्टमर्स के लिए आ, उनकी हेल्थ के लिए तो ये उनको यूज नहीं करनी चाहिए प्रोडक्ट Uh, लेकिन फिर भी कस्टमर्स जो है यूज करते हैं। हैं, <coughs> <sorry>, जिस तरह <coughs> आप देखो सिगरेट्स लोग कंज्यूम करना पसंद चाहते हैं गन्स uh, है, 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 हैं है, वो उनके लिए प्रोडक्ट फ्रूटफुल ना हो बेनिफिशियल ना हो लेकिन लोग कंज्यूम करते हैं तो नेगेटिव और अनहोसम ऑपोजिट है कस्टमर प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहता और वो उसके लिए बेनिफिशियल होती है अनहोलसम के अंदर कस्टमर प्रोडक्ट यूज करना चाहता है पर वो उसके लिए अच्छी नहीं होती ठीक है देन वी हैव फुल फुल डिमांड 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 जो है 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 वो आपकी आपकी आइडियल आइडियल कंडीशन जिसके अंदर जितनी आपकी demand है, उतनी ही आपकी सप्लाई है जितनी प्रोडक्ट आपको चाहिए उतनी प्रोडक्ट आपको मिल रही है यानी कि आप हंड्रेड यूनिट्स बना सकते हो और हंड्रेड यूनिट जो है वो मार्केट के अंदर चाहिए uh, तो ये जो है ये फुल डिमांड है इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है एक तो इसके अंदर देखें जनवरी में मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा आई नो इट और 100 बिक जाएंगे आई नो इट फेब में मैं कितने और कितने प्रोड्यूस करूंगा बिकेंगे अगर सपोज मैंने हंड्रेड ही प्रोड्यूस की और डिमांड बढ़ गई वन होगी तो ट्वेंटी मैं कहा पूरे करूंगा और लेट सपोज मैंने 100 की और डिमांड कम होगी 80 होगी तो ये मतलब फुल डिमांड रखना एक आइडियल कंडीशन है इसके अंदर जितनी आपके पास कैपेसिटी है सप्लाई है उतनी ही डिमांड होनी चाहिए तो ये आइडियल पोजीशन है, है, है।, है, है जब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, वो होती है और डिमांड जो है वो ज्यादा होती है उसकी जैसे मैंने लास्ट केस में लास बताया आपको कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 100 यूनिट्स बना सकते हो और मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो 150 यूनिट्स की है तो ये आपके पास ओवरफुल डिमांड है डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी आपकी कम है जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हमारे पास भी इसकी एक एग्जाम्पल है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी डिमांड ज्यादा है और इतना सीमेंट अवेलेबल आपके पास शायद ना हो ओवरफुल डिमांड के अंदर आ, आपकी कैपेसिटी कम होती है लिमिटेड होती है और डिमांड जो है वो ज्यादा होती है तो ये आपके पास ओवरफुल डिमांड है इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बना के दोगे नहीं कस्टमर उसको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो वो फिर किसी और की प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देगा किसी और की तो चीज जो है वो लेगा तो ये ओवरफुल डिमांड है जी नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोज इन मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो क्या है मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर आप देख रहे हैं आपके सामने मुख्तलिफ एंटिटीज हैं मुख्तु मार्केट्स हैं जिसके अंदर रिसोर्स मार्केट है कंज्यूमर मार्केट है इंटरमीडियरी मार्केट है मैनुफेक्चर मार्केट है और बीच में गवर्नमेंट मार्केट है तो हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेट स्टार्टेड फ्राम रिसोर्स मार्केट अब रिसोर्स मार्केट जो है और मैनुफेक्चर मार्केट आप इसके दरिया में देखेंगे तो रिसोर्स मार्केट मैन्युफेक्चर मार्केट को रिसोर्सेस प्रोवाइड

तो आप मैन्युफैक्चरर मार्केट के अंदर वो मैन्युफैक्चर करते हो ठीक है लेकिन आप उसके लिए जो आपके लीव्स हैं या बीन्स हैं वो कहां से लेते हो कॉफी बीन्स कहाँ से लेते हो वो रिसोर्स मार्केट से ले रहे हो आ, अगर टी है तो टी कहाँ से लीव्स से ले रहे हो रिसोर्स मार्केट से ले रहे हो आ, अगर आप यूनिवर्सिटी हो कोई लेट सपोज तो आप जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लैब्स का इक्विपमेंट ले रहे हो केमिकल्स ले रहे हो टेबल्स ले रहे हो कंप्यूटर्स ले रहे हो चेयर्स ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का सामान ले रहे हो वो रिसोर्स मार्केट से परचेज कर रहे हो जब आप वो रिसोर्सेज वहां से लेते हो तो उसको आप दोबारा उनको देते हो उसके बदले पैसे ठीक है और मैन्युफैक्चरर मार्केट्स क्या करती हैं उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती हैं उन प्रोडक्ट के अंदर लेट्स सपोज एग्जांपल्स में देखें तो स्टारबक्स ने स्टारबक्स बना ली ग्लोरिया ने ग्लोरिया जीस बना लिया आ, को, टी कोई है टपाल थी या स्ट्री थी या लिप्टन थी उन्होंने वो टी बना ली मैन्युफैक्चरर मार्केट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी थी तो उसने वो यूनिवर्सिटी तैयार कर ली उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेके अगर हम कैनन भी ले लें कैनन एक मैन्युफैक्चरर है और के रिसोर्स मार्केट से फ्रिज लेता है ट्रक्स लेता है मशीनरी लेता है और यहाँ पे जो, जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो केन में अपना प्रोडक्ट बनाता है तो यहाँ पे उसने वो रिसोर्स लेके पे मैन्यक्चर के अंदर वो प्रोडक्ट बना लिए उनके जिस तरह को भी प्रोडक्ट्स हैं फ्रोजन आइटम्स प्रोडक्ट है, है तो तमाम उसने जो है वो तैयार कर ली अच्छा ये तमाम मार्केट आखिर में देखेंगे गवर्नमेंट मार्केट्स को फिर मैन्युफेक्चर मार्केट आप देखोगे ये दो तरीके से जो न्यू आपकी मार्केट है उसमें लाजमी नहीं है कि आपकी इंटरमीडियरी मार्केट हो इंटरमीडियरी मार्केट कौन से लोग होते हैं होलसेलर रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर दरास डॉट पी के या अली एक्सप्रेस या एमेजॉन और कुछ सिमिलर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो या बेचते हो तो ये तमाम जो है वो इंटरमीडिएट मार्केट्स के अंदर है पर अगर आप देखोगे लेट्स uh, सपोज मैं लिप्टन मैंने जिसमें एग्जाम्पल दिया हैं तो क्या मैं से डायरेक्टली चीज बाय कर सकता हूँ ना बीइंग इंडिविजुअल कंज्यूमर आप मार्केट देख रहे हो कंज्यूमर मार्केट है ये वो लोग हैं जो होलसेलर से लेते हैं रिटेलर से लेते हैं दराज से लेते हैं तो अब अगर मैं की मैंने लूँ बींग मैनुफेक्चरिंग मार्केट के अंदर तो मैंने अपना फ्रोजन आइटम जो है वो दे दिया दराज के ऊपर और दराज आगे आपको दे रहा है जब मैंने दराज को दिया तो दराज ने मुझे पैसे दिए दराज पे जो वेंडर्स बैठे हुए

वहां से डायरेक्टली आप उनसे अवेलेबल है जो आपको चीज प्रोडक्ट ला के देता है तो आई होप आपको मैन्युफैक्चरर का आइडिया इंटरट का आइडिया और कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट है प्रोडक्ट को सर्विस को कंज्यूम करती है आप एंड बींग इंडिविजुअल हो कैन का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या आप कॉफी या टी यूज कर रहे हो इंडिविजुअली तो वो आपकी कंज्यूमर मार्केट है आपके अंदर ठीक है आ, ये थोड़ी सी कंपेरिटिवली तीनों आसान थे इनके रिलेशनशिप मुश्किल लोगों को लगता है जो भूल जाते हैं वो कंज्यूमर मार्केट से रिसोर्स मार्केट है अब जो कंज्यूमर मार्केट है जैसे आप हो अगर लेट सपोज आप प्रोफेशनल हो आप कहीं जॉब करते हो आप किसी आई -टी टीम का हिस्सा हो ठीक है बींग इंडिविजुअल लिखे ना कि रिसोर्सिस रिसोर्स मार्केट के अंदर तो बींग इंडिविजुअल आप में से कोई आई का बंदा है तो अपने की मार्केट के अंदर आ, या वो जो लीफ की कंपनी है या जो रिसोर्स मार्केट जो भी है अपनी फील्ड के अंदर इंडस्ट्री के अंदर उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो रिसोर्सेज उनको उनको दे रहे हो तो वो कंज्यूमर मार्केट से आप अपनी स्पेश, स्पेशलिटी जो है सेल कर रहे हो रिसोर्स मार्केट से उसके बदले पैसे ले रहे हो मनी यूज इन टर्म्स ऑफ सैलरी होती है या लेट सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांसिंग करते हो तो बींग कंज्यूमर आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो रिसोर्स मार्केट को और वो कोई इवेंट मैनेजर है जो आगे पीएसएल मैन्युफैक्चरर मार्केट के अंदर है उसको आपके ग्राफिक्स बेच रहे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए उसके बदले में आप सैलरी लेते हो या पैसे लेते हो उसके बदले तो ये आप देख रहे हो एक सर्कल बना हुआ है पूरा ये जो मॉडर्न एक्सचेंज इकॉमी है कि एक, एक तरफ से पैसे आते हैं एक तरफ से पैसे जा रहे होते हैं अब इन तमाम मार्केट से रिलेटेड है गवर्नमेंट मार्केट गवर्नमेंट मोर मौर लेस तमाम मार्केट से टैक्सेस लेती है और गुड्स भी बाय करती है देखिए कोई भी अगर पेनिंग डिविजन है या आपका प्रोडक्शन डिविजन है या आपकी कोई मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री के अंदर चीजें कंज्यूम होती है ना टेबल्स होते होंगे आपका बेकरी आइटम कुछ कंज्यूम करते होंगे चाय पीते होंगे आ, बाकी चीजें कर तो वो चीजें भी कहीं से लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को वो रिसोर्स मार्केट से लेंगे मैन्युफैक्चरर से लेंगे इंटरमीडियट से लेंगे वो उससे लेते हैं और उसके बदले उनको पैसे देते हैं गुड्स के बदले और टैक्सेस लेते हैं और उनके बदले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज के मतलब होता है बाहर के मालिक में कि आपको सिक्योरिटी है पाकिस्तान में तो खैर नहीं था जैसे कोरोना आया कोविड के अंदर तो यहां तो पर काम बिल्कुल ही बैठ गया आ, लेकिन वहां पे था कि अगर आप बिजनेस बिजनेस कर रहे हो और को फरलो पे किया यूके की गवर्नमेंट ने और ये जिसने फाइनेंस मिनिस्टर ने पे किया था अभी वो उनका प्राइम मिनिस्टर बन चुका है आ, जो ऋषि उनका जो नया प्राइम मिनिस्टर है इंडियन बैकग्राउंड का ये यह फाइनेंस मिनिस्टर था तो अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और कोरोना आ गया और बिजनेस जो है वो काम नहीं चल रहा उस तरह तो आपने लोगों को फायर नहीं करना क्योंकि गवर्नमेंट आपको पे कर रही थी फरलो एक अमाउंट क्योंकि आप टैक्सेस पे करते हो तो वो आपको एक समझ समझने आपकी सिक्योरिटी होती है इंश्योरेंस होती है आपकी गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेगी तो इसके इसमें जो रिसोर्स मार्केट है उसके अंदर भी मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है उनको रोड प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जो भी इस तरह की चीजें हैं तो ये गवर्नमेंट कंज्यूमर के साथ भी उसका एक कॉन्ट्रेक्ट होता है सेफ्टी का हेल्थ का टैक्सेस ले रही है उसके बदले सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करेगी आपकी गली मोहल्ला नाला रोड तो ये सारा उसके उसी के अंदर आ रहा होता है और वैसे कोई मैनुफैक्चर है तो उसको जोन इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करना बिजली प्रोवाइड करना आ, हर चीज गैस चाहिए तो गैस प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करी होती है उसके बदले वो टैक्सेस ले रहे होते हैं तो ये टैक्स का और सर्विसेज का रिलेशनशिप है और गवर्नमेंट कुछ जगहों से जिसमें मैंने कहा कि प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करती है तो गाड़ियाँ ले रही है या वो कोई इक्विपमेंट ले रही है मोबाइल्स ले रही है फोन ले रही है तो वो भी कहीं से परचेज करेगी किसी मार्केट से उसके बदले उनको वो पैसे पे करेगी सिंपल मार्केटिंग सिस्टम ये होता है इसमें अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स इज नोन एज इंडस्ट्री जैसे आपके पास हम कहें कि आई इंडस्ट्री उसके तो अंदर जो आईटी प्रोडक्ट सेल करते होंगे वो उसमें सेलर सारे होंगे हम कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ अब ऑटोमोबिलस वैसे हम बोलते हैं मार्केट मार्केट वो है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ बायर्स आपके पास होते हैं जिन लोगों ने उसको कंज्यूम करना है ऑटोमोबाइल मार्केट कितनी बड़ी है जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये कि कितने ज्यादा लोग हैं कितने ज्यादा बायर्स अवेलेबल है जो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबिलचे करेंगे जब मैं कहता हूँ की कितनी बड़ी हेयर राइडिंग सर्विस की मार्केट अवेलेबल है उसका मतलब ये कितने लोग जो है वो राइड शेयरिंग हेर राइडिंग बोलते हैं जिस तरह इन ड्राइव है या आपके बाकी करीम है उबर है तो कितने सारे लोग इसको जो है बाय करेंगे तो ये इंडस्ट्री है इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स और मार्केट है इट्स अ कलेक्शन ऑफ बायर्स और इनका रिलेशनशिप क्या है इंडस्ट्री कम्युनिकेट करती है कि हमें क्या चीज चाहिए आ, या हम आ, क्या चीज बेच रहे हैं हमने क्या चीज बनाई हुई है और उसको हम क्या बेच रहे हैं साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री गुड्स और सर्विस भी दे रही है जिस तरह मैंने कहा कि अगर इन ड्राइव है या हेयर रेडिंग सर्विस है तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको मार्केट को और अगर ऑटोमोबिल है तो वो गुड्स ऑटोमोबिल प्रोवाइड कर रहे हैं टेंजिबल आपको उसके बाद क्या देते हैं ड्राइव को या हेयर रेडिंग सर्विस को और ऑटोमोबिल कंपनी को पैसे गाड़ी के बदले क्या देंगे पैसे जो राइड शेयरिंग कर रहे हैं बदले क्या देंगे पैसे और कम्युनिकेशन और फिर मार्केट जो है वो यूज करती है और फीडबैक देती है तुम्हारा इंडस्ट्री को कि वी यूज हेयर राइडिंग सर्विस वी यूज इन ड्राइव सर्विस ऑफ इन ड्राइव और हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे सर्विस अच्छी नहीं थी ड्राइवर लेट आया बदतमीज था या अच्छा रहा उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है आपने कार यूज की कार में कोई हिकअप्स थे कोई प्रॉब्लम्स थे इंजन ठीक नहीं है कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है तो मार्केट जो है वो दोबारा फीडबैक देती है इंडस्ट्री को कि ये प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बेहतर की जा सकती है तो ये एक नॉर्मली जो है वो सेटअप uh, चल रहा होता है इसके अंदर मार्केट का और इंडस्ट्री का आपस में ये रिलेशनशिप जो है वो चल रहा होता है फिर हमारे पास की कस्टमर मार्केट आपके पास कुछ की मार्केट्स हैं Uh, जिसके अंदर आप देखोगे कंज्यूमर मार्केट है बी टू सी जिसे हम बोलते हैं फिर बी टू बी मार्केट्स हैं फिर ग्लोबल मार्केट्स हैं और उसके बाद नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट मार्केट अब मैंने पहले भी एक डिस्कस किया थोड़ा सा ये बी टू सी मार्केट वो होती है जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर चीज को बाय करता है लेट सपोज अः हम सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं या सोडा की एग्जांपल ले, ले लेते हैं आपने अपने घर में डेढ़ लीटर की बोतल दो लीटर की बोतल या रेगुलर बोटल जो है वो यूज की सोडा की या ड्रिंक की तो ये आप बी टू सी के अंदर है Pepsi's की प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप वो मार्केट हो जो इंडिविजुअली कंज्यूम करती है प्रोडक्ट को एक है यानी कि फाइनल कंजम्पशन के लिए जो कंज्यूमर यूज करता है वो बीटूसी मार्केट है ठीक है फिर बी टू बी मार्केट है कि एक बिजनेस हम सेम एग्जांपल हैं सोडा और आ, या जो है आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स अब आप देखो किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वो मेन्यू के अंदर या अपनी डील्स के अंदर वो कैसे इसको यूज कर रहे होते हैं आप के जाओगे या आ, आप आ, और की पिज्जा हट जाओगे या किसी ब्रांड पे जाओगे तो वो कैसे अपनी ऑफरिंग के अंदर इसको यूज करते हैं तो जब आप दोबारा लेके एक चीज बी टू बी के अंदर यूजली जो कस्टमर है वो चीज लेता है और दोबारा उसको आगे फाइनल कंज्यूमर तक बेचता है अगर मैं एग्जांपल दूँ कि आप फर्नीचर देखो वुडन फर्नीचर का काम अगर देखोगे तो अगर आप फर्नीचर बाय करते हो किसी कंपनी से आ, अपने लिए आ, घर के लिए तो ये बी टू सी मार्केट है और अगर आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन आपने नया ने अपनी एक छोटी कंपनी ओपन की है एक स्टार्टअप शुरू किया है और उसके लिए जो है वो वुडन फर्नीचर टेबल लेके आती है चेयर लेके आती है तो फिर वो बी टू सी है या बी टू बी है मुझे को बताएगा आप में से अच्छा आप में से कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर भी दे, दे दें ताकि हम उसमें चले वो दे देता हूँ बिल्कुल जी मुझे को बताएगा आप में से बी टू बी बिलाल कह बिल अगर नयाब अपने स्टार्टअप के लिए वुडन आर्टिकल्स परचेज करती है जैसे सोफा या टेबल या चेयर और उसको यूज करती है अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए लेट्स सपोज या कोई भी वो सर्विसेज ऑफर कर रही उनके लिए उन्होंने यूज कर रही है तो वो बी टू बी आएगा जी अरीज नाज भी कह रही है बी टू बी वेरी गुड आप लोगों को तो सारा ऑलमोस्ट पता है वेरी गुड जी बी टू बी यूसफ भी कह रहे हैं वेरी गुड ये बी टू बी है और अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं उसको यूज कर रहे हैं तो ये बी टू सी

यानी कि या आप घर की भी चीज परचेज करते हो ये आप देखोगे सप्लाई चेन के अंदर भी आप देखोगे कि अगर आ, हम एयरलाइनर्स की एग्जांपल ले लें जब एक पी आई ए इतिहाद या एमरेट बोइंग से या क्या नाम है उसका एयरबस से प्लेन परचेज करता है तो ये बी टू बी के अंदर है पर जब वो कस्टमर को लेके फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये बी टू सी के अंदर है तो ऑलमोस्ट हर कंपनी बी टू सी और बी टू बी के अंदर होती है क्योंकि जब आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप है तो बी टू बी के अंदर होगा जैसे मेरी कंपनी जो है वो अगर लेट्स टी बनाती है तो जिससे मैं लीव परचेस कर रहा हूँ तो वो मैं बी टू बी के अंदर हूँ और जब मैं आगे कस्टमर को दे रहा हूँ तो मेरी कंपनी वुडन आर्टिकल्स परचेज करती है किसी सप्लायर से टिंबर मार्केट से कहीं से तो वो बी टू बी है जब मैं आगे कंज्यूमर को बेच रहा हूँ तो वो बी टू सी है जी वेरी गुड तो ये बी टू बी और बी टू सी दोनों के अंदर आता है फिर वैसे ही हमारे पास ग्लोबल मार्केट्स है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आपकी कंपनी जो है वो मल्टीपल मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रही होती है आ, या सेल करने जा रही होती है यानी उसकी मार्केट जो है वो बाहर भी एग्जिस्ट करती है आ, आ, आपकी आ, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जिसमें आप इंटर होना चाह रहे होते हैं वो आप मुख्य तरीकों से इंटर हो सकते हैं किसी ग्लोबल मार्केट के अंदर आप शायद लाइसेंस दे रहे हो फ्रेंचाइज खोल रहे हो ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हो पार्टनरशिप कर रहे हो कोई तो या फिर आप सोलो जा रहे हो तो ग्लोबल मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट डिमांड इंटरनेशनली है वो एग्जिस्ट करती हो और वहाँ पे इंटर करने के मुख्य है आप खुद भी जा सकते हो या वहाँ के लोकलूंगा तो ज्वाइंट तो वेंचर में जा रहा हूँ तो ये फ्रेंचाइज देनी है किसी को रॉयल्टी किसी से लेनी है तो ये मुख्य मोड और मीन है जिनको हम यूज करते हैं ग्लोबल मार्केट को नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट मार्केट ये अमूमन छोटी मार्केट्स हैं गवर्नमेंट की जो मार्केट्स हैं इसके अंदर या नॉन प्रॉफिट मार्केट्स हैं नॉन प्रॉफिट के अंदर ये आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं आपके मॉस्ट आ जाती हैं या चैरिटेबल ऑर्गेजेशन मुख्तल जिस तरह आप एस ओ एस देखो विलेज है या और कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम कर रही है खुतिन के लिए काम कर रही है उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रही है एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है तो मुख्त एन जी ओज आई एनजीओ जो है वो इसके अंदर आती हैं या गवर्नमेंट एजेंसी इनके अंदर आईती है अमूमन ये जो नॉन प्रॉफिट है या गवर्नमेंट मार्केट्स हैं इनके अंदर आप प्राइसिस कम रखते हो क्योंकि इनके अंदर सिस्टम होता है बिल्डिंग का यानी जो कम बिल्ड करेगा ये उसको जो है वो कॉन्ट्रेक्ट दे, दे देते हैं अगर आपने कंज्यूमर है आपने कोई चीज बाय करनी है तो एक स्टैंडर्ड प्राइस होगी आप उसके ऊपर ले लोग के आप बल्क में पर करनी है। और एक जो है वो, से कोई उस्मान है, वो कहते हैं कि मैंने एक चेयर परचेस करनी है तो ऑब्वियसली बात है जो दस हजार चेयर परचेस कर रहा है वो प्राइस निगोशिएट कर सकता है फिर वैसे ही जब नॉन प्रॉफिट के अंदर आता है तो नॉन प्रॉफिट के अंदर ऑप्शन है बिडिंग है जो तो कम प्राइस की मुझे एक गवर्नमेंट एंटिटी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेट सपोज सो बेड चाहिए तो जो कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी ऑफर करेगा बिडिंग होगी उसके ऊपर जो है वो बिड करते हैं तो ये जो है वो यहाँ पे मेथड जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स आपके पास जो है वो मार्केटिंग के मुख्तलिफ है जिसके अंदर आपके पास नीड्स है वॉन्ट्स है और डिमांड है नीड वॉन्ट डिमांड है ये आगे डिटेल्स आएगा उसको दोबारा देख लेते हैं आगे टारगेट मार्केट्स है पोजिशनिंग है सेगमेंटेशन है इसको भी कवर करते हैं फिर ऑफरिंग ब्रांड्स कि ये क्या इनमें फर्क है दोनों में के अंदर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन है मार्केटिंग चैनल्स है सप्लाई चेन है कंपटीशन uh, है मार्केटिंग एनवायरमेंट है और मार्केटिंग प्लानिंग है ये कोर कॉन्सेप्ट्स है मार्केटिंग के तो या आने ली स्लाइड्स के अंदर पहले सिंपली हम देख लेते हैं नीड वांट और डिमांड को uh, जी नीड और वॉन्ट और डिमांड नीड लेट सपोज आपको भूख लगी है और भूख खत्म करने के लिए आप कुछ भी खा सकते हो तो ये आपकी बेसिक नीड है ये आपको प्यास लगी है प्यास बुझाने के लिए आप पानी इस्तेमाल करोगे आपकी नीड है ये वांट तब बनती है जब आप ख्वाहिश करते हो कि मैं हार्डीज के बर्गर से या तहजीब के पिज्जे के साथ या आ, मुनाल के बुफे के साथ जो है वो अपनी भूख खत्म करूंगा तो ये वांट है फिर और ये डिमांड तब बन जाती है जब आपके पास अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए पैसे भी हों एक है ना कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं बर्गर खाता क्या बात या मैं पिज्जा खा के अपनी भूख खत्म करूँ या मैं बुफे कर लू एक है कि वो करने के लिए जेब में पैसे भी है जब जेब में पैसे होंगे तो वो डिमांड बन जाएगी आपकी वॉन्ट या आपकी डिजायर ठीक है नीड आपको भूख लगी है तो वो भूख आम खाने से घर के खाने से भी खत्म हो सकती है वॉट तब बनती है जब आप कहते हैं कि मैं आ, कोई बड़ी चीज खा के दिखूं मतलब आ, कोई आपके लिए जो आ, आपकी डिजायर है आप चाहते हो वो आप यूज करें कंज्यूम करें और डिमांड तब बनती है जब वेन इट इज बाय योर मनी जब आपके पास पैसे भी है उसको करने के लिए अच्छा फिर इसमें वो भी अब एडवांस लेवल पे देखें तो ये जो नीड है वांट है और डिमांड है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व हो रही होती है ठीक है जब आप छोटे बच्चे होंगे प्राइमरी के अंदर होंगे या नर्सरी केजी के अंदर होंगे या प्री नर्सरी के अंदर होंगे तो तब मार्कर्स कलर्स ये फैसिनेट करते होंगे शायद आपकी वॉन्ट का हिस्सा हो आपके डिजायर का हिस्सा हो या डिमांड का हिस्सा हो मेरा डिमांड तो सब पेरेंट्स ने फुलफिल कर देती है पर आज आपके पास आपकी वो शायद वॉन्ट ना हो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज मनी ये वांट्स और डिजायर्स में बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टैंड नहीं है ये फिक्स नहीं है ये इवॉल्व होती हैं। आज शायद आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी शायद डिजायर का हिस्सा वांट का हिस्सा कार लेना हो घर लेना हो लेकिन सपोज कोई सीईओ है या आप बहरिया के जो मालिक है मलक रियाज हो बन जाए हो तो आपके ख्याल में क्या कार लेना उनकी वॉन्ट होगी या घर लेना उनकी वॉन्ट होगी वो शायद एक स्टूडेंट की वॉन्ट हो सकती है पर एक सी एफ सीईओ जो सेवेंटीज के अंदर एटीज के अंदर है जो ठीक ठाक पर से बना चुका हुआ है घर ले चुका है बहुत सारे

अच्छा नीड्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्में टाइप्स ऑफ नीड हैं एक स्टेटेड नीड है एक रियल नीड है एक

तो वो कहते हैं मुझे ये चाहिए लेट सपोज आपके पास आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है या आप कार का एक शोरूम है सुजुकी का या होंडा का आपके पास कोई कस्टमर आया वो मुझे कहते हैं आपको आगे कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए तो ये उसकी स्टेटेड नीड है पर मे भी उसकी रियल नीड जो है वो आ, इनएक्सपेंसिव कार ना हो बल्कि वो कार हो जो कॉस्ट एफिशिएंट हो यानी उसकी प्राइस बेशक कम ना हो इलेक्ट्रिक कार हो महंगी हो पर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो आ, उसकी रेगुलर जो चलने की ऑपरेशनल कॉस्ट है वो उसकी कम हो तो उसने आपको कहा कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव कार्ड चाहिए

कम्युनिकेट करेंगे डील करेंगे हैंडल करेंगे तो उसको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे जब आपसे वो चीज देने आ रहा है आपको वो ये तो नहीं कहेगा कि मुझे एक कार चाहिए और एक अच्छी सर्विस भी चाहिए आप उससे तरीके से बात करें पर ये एक हर बंदे की अनस्टेटेड डिजायर होती है कि आपसे कंपनी या जो सेलर है वो अच्छी तरीके से बात करे लेट सपोज आप ये कार लेने जा रहे हो आप कहते हो कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए आप जो आपकी ऑल्टो है वी एक्सल या वी एक्स उसको टारगेट कर रहे हो आजकल वो भी चौबीस पच्चीस लाख रुपए की है तो आप उसको टारगेट कर रहे हो और आपसे वो बुरे तरीके से

ये आपको एडिशनल चीज जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तो अच्छी सर्विस तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर आप हैंडल कवर या कार का कवर या कोई मैट या कोई की चेन या कोई पेन या कोई डायरी या कोई इश्यू ये डिलाइट नीड्स को फुलफिल करता है कस्टमर जे उसकी एक्सपेक्टेशन से आप उसको प्रोवाइड करते हो और फिर सीक्रेट नीड होती है उसकी जो शायद उसको भी आइडिया ना हो वो चाहता ही है कि जब आप वो कार ले रहे हैं तो वो ऐसी हो कि लोग देखे कहेंगे वाकई में इसने अच्छी ऑप्शन ऑप्ट opt की है या अच्छी चीज बाई की है ये समझदार लगता है या सेवी है या मतलब आपने वो कार ली है जो आपकी नीड्स भी फुलफिल कर रही है और लोग कहते हैं यार आवाज अच्छी लग रही है इसको सूट कर रही है, गाड़ी या कार या जो भी तो सीक्रेट नीड ये कि आप चाहते हैं लोग उसको पसंद करें और जो चीज आप लेने जा रहे हो उनको लगे कि ये इसकी काम की चीज थी या ये एक अच्छी ऑप्शन थी इतने पैसों के अंदर और ये आपका एक इमेज भी बढ़ाए अः आपकी जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हो तो ये भी सीक्रेट नीड का आपका हिस्सा होता है अच्छा उसके बाद सीक्रेट रीड है देन वी हैव टारगेट मार्केट्स पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन मैं आपको यही बता रहा था कि आप जो है पहले मार्केटर्स जो है वो डिवाइड करते हैं मार्केट्स को अब मार्केट आपको याद रहे इट्स अ कलेक्शन ऑफ बायर्स अब इसको आप सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं किस बेसिस के ऊपर कि लोगों की प्रोफाइल क्या है सिमिलर चॉइसेस सिमिलर लोग जो होते हैं एक तरह के लोग होते हैं उनको आप अलग करके डिवाइड करते हो अब मुख्त कंपनीज मुख्तलि बेसिस के ऊपर मुख्तु सेगमेंट जो है वो बना सकती है ये वेरी करते हैं केस टू केस कुछ तो डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर जो है सेगमेंट बना लेंगी क्या आप रहते काम पे हो कुछ साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर कुछ बिहेवियरल डिफरेंसेस के ऊपर कोई परचेजिंग पार के ऊपर कोई एजुकेशन के ऊपर कोई एरिया तो ये मुख्त बेसिस के ऊपर आप सेगमेंट्स जो है वो डिवाइड कर लेते हो आ, ये ये सारे वो हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट चाहिए हो सकती है या इनकी आपकी प्रोडक्ट से इनकी लाइफ बेहतर हो सकती है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हैं किसी प्रॉब्लम का इन तमाम लोगों के लिए तो आप इनको सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हो और फिर आप ऑप्ट करते हो कि आपने किसको टारगेट करना है कि सर्व करना है जैसे इन ड्राइव पाकिस्तान के अंदर आई उसने मुख्तलिगमेंट में डिवाइड किया तमाम लोग बहुत सारे लोग होंगे जो कराची के अंदर भी इस्तेमाल करते होंगे लाहौर के अंदर भी इस्तेमाल करते होंगे पेशवर में भी करते होंगे राइट शेयरिंग पर उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हमारी टारगेट मार्केट फर्स्ट थ्री मंथस या फोर मंथसामबाद और पिंडी है सहवाल गेमे हैं लॉन्च करने के लिए आज मेरी उनसे बात होती है सहवाल में लॉन्च कर रहे हैं अपना इन ड्राइव आज जेलम छोटा है उस लिहाज से तो वो फिर बारी बारी इसे हम बो, बोलते हैं वाटरफॉल स्ट्रेटेजी दो स्ट्रेटेजी होती है एक स्प्रिंकल स्ट्रेटेजी होती है एक वाटरफॉल होती है वाटरफॉल में आप साइमल्टेनियसली हर इलाके में शुरू कर देते हैं अपनी हर सेगमेंट को केटर करना स्टार्ट कर देते हैं और वाटरफॉल के अंदर आप बारी बारी जाते हो यानी पहले पिंडी इस्लामाबाद फिर कराची फिर फिर लाहौर फिर कहीं और तो टारगेट मार्केट वो मार्केट है जिसको आप आप आपने तीन सेगमेंट्स बना लिए लेट्स सपोज में से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे है और वो कहते हैं कि मैं इंजन ऑयल सेल करूंगा और वो इंजन ऑयल पूरे पाकिस्तान में सेल करने के बजाय सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया कराची लाहौर एरिया वाइज हमने कहा ना जियोग्राफिक वाइज आपने सेगमेंट्स बना लिए अभी आप कहते हो कि मैं क्योंकि बेस्ड इस्लामाबाद में हूँ तो मैं पिंडी इस्लामाबाद को सर्व करूंगा फिलहाल इनिशियली तो ये आपके और पोजिशनिंग क्या होती है जो आपकी प्रोडक्ट की आप कस्टमर के माइंड के अंदर पोजिशनिंग करते हो उसके दिमाग के अंदर पोजिशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सिट्यूट कम्पैक्टर्स जब आप पोजिशन कर लेते हो तो आप ये ख्याल करते हो कि आप आ, कस्टमर्स के लिहाज से मार्केट में जहन में कस्टमर के कहाँ आते हो आ, और सब्सटीट्यूट uh, के लिहाज से कहाँ आते हो फॉर इंस्टेंस आप देखोगे अपनी मार्केट को एक्सपेंड करे सेवन स्प्राइट वाले तो जब वो कहते हैं प्याज बुझाए स्प्राइट प्याज बुझाए अब प्याज बुझाना काम है पानी का पानी कि जो है वो मुख्तफ कंपनीज हैं कोक की है दसानी है आ, मरी ब्री की है पेप्सी की है एक्वाफिना है बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी है जो प्याज बुझा रही है पानी अब स्प्राइट चाहता है कि मैं उनका शेयर भी तो वो अपने आपको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है प्याज बुझाए स्प्राइट बार बार तो वो पोजिशन कर रहे हैं कस्टमर के माइंड के अंदर की जब आपको प्यास लगी हो तो आप बजाय मिनरल वाटर लो आप स्प्राइट भी ले सकते हो तो वो पोजिशनिंग करने पोजिशन करने की मार्केट में कोशिश कर होता है आपके माइंड के अंदर मार्केटर ने पोजीशन किया होता है आपसे कोई पूछे कि फ्रेग्रेंस वाला सोप कौन सा है 80-90 परसेंट लोग आप में से जो है वो लक्स का नाम लेंगे या किसी और अच्छे ब्रांड का नाम लेंगे जिसका जो परफ्यूम दिया फ्रेग्रेंस वाले सोप्स है और एंटीसेप्टिक सोप्स को कहेंगे तो आप डिटोल या सेफ गार्ड नाम लोगे तो ये आपके जहन के अंदर हमने इन्होंने पोजिशन की होती है मार्केटर्स ने क्या है और क्या चीज आप लोगे और क्या चीज नहीं लोगे देन वी हैव ऑफरिंग्स एंड ब्रांड्स ऑफरिंग कोई भी वो चीज जो आप या ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है इट कुड बी अ प्योर सर्विस जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि आप uh, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्स या अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इट कुड बी ओनली अ प्योर प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं एक है कि आप कहते हो हम ऑफरिंग में बंडल है मिक्स है यानी कि आप ऑफरिंग भी आप कार भी दे रहे हो और कहते हो कि पहले छह महीने की या पहले साल की सर्विस हमारे पास है हम सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे आपको आफ्टर सेल सर्विस हम आप आपसे ए सी लो हम सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑफरिंग वो चीजें जो आप ऑफर कर रहे हो जैसे आ, की ऑफरिंग सारी आइसक्रीम जो ऑफर कर रहे हैं मार्केट को एप्पल की ऑफरिंग के अंदर आईफोन स्मार्ट वॉच जो भी उसकी प्रोडक्शन जो ऑफर कर करो तो है जो कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑफर करती है आ, बायर्स को लेने के लिए सेलर जो है वो ऑफर कर रहे हैं और ब्रांड क्या होता है ब्रांड वो सेलर होता है जो या वो चीज होती है जो एक नॉन सोर्स से आए अब जिस तरह लोकल ब्रांड बन चुके हैं चीजियस भी और सेवर्स भी अब आप एक जगह से चीज खा रहे हो या

ये ऑफरिंग और ब्रांड्स के लिहाज से आ, बाकी मेरे ख्याल में हम लोग कल देखेंगे ठीक है जितना ख्याल रखिएगा कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह ओके जी अल्लाह हाफिज